हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ LIC हर भाई के लिए जरूरी क्यों है, LIC आपको करानी क्यों जरूरी है और इसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई LIC आपके लिए क्यों जरूरी है, इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा और आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें क्या केसेस में आपकी कुछ होती हैं तो आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि जो LIC फ्रॉड वगैरह होती हैं ऐसी कंपनियों में मत उलझना, आपको बड़े ये भी चीज़ को बोलते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में आपको साबित कर दूंगा कि LIC आपके लिए क्यों जरूरी है और कौन से बंदे को क्या जरूरी है, आपको कितने की करानी चाहिए और क्या प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो को पूरा अंत देखना, बहुत ज्यादा बारीकी में बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में आपको LIC क्यों जरूरी होती है। LIC सबसे पहले जरूरी होती है कि आपकी लाइफ के इंश्योरेंस को कवर करने के लिए, आपकी लाइफ की जो भी जितनी भी रिस्क होती है उस केसेस में जो LIC कराना जरूरी होती है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, उस केसेस में आपको कुछ भी डेथ वगैरह होती है तो आपको कोई भी अदर कंपनियां जो आपको पे नहीं करेगी जितनी हमारी LIC कंपनी आपको पे करती है। जैसे कि कोई जो आपकी आप आज जो किसी भी कंपनी में 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो और बाई चांस उस केसेस में आपकी डेथ होती है या कुछ भी आपका केसेस होता है ऐसा, तो उस केसेस में आपकी जो आप जिस भी जो फील्ड में आप कर रहे थे 10,000-15,000 रुपए कमा रहे थे, क्या वो आपकी दूसरी जो कंपनी काम कर रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, वो कंपनी आपकी फैमिली को देगी पैसा? नहीं दे पाएगी, बिल्कुल नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो ये चीज है जो कोई भी कंपनी आपकी नहीं देती है। जितने दिन आप काम करोगे, जितने दिन आप वहाँ पे मजदूरी करोगे, जितने दिन आपकी अटेंडेंस की जाएगी उतने दिन के आपको पैसे मिलेंगे, ना कि आप जितने दिन आप नहीं गाओगे या जो आपकी डेथ होती है तो उसके समय आपकी कोई कंपनी पे नहीं करती है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कोई लिमिटेड कंपनी है तो वो आपको 50,000 दे सकती है, एक आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनकी जो एक अमाउंट होता है वो 50,000 या 1,00,000 से ज्यादा ऊपर आपको नहीं देगी। पर जिस केस में आपको आज बता रहा हूँ ना, ये वीडियो आप देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस LIC में करने से क्या फायदा है, आपको LIC करने से आपकी जो ये फायदा होगा कि जो आप 10,000-15,000 नौकरी कर रहे थे उस केस में आपकी कोई डेथ होती है तो जो आप 10,000-15,000 कमा रहे थे, 10,000-15,000 आपकी फैमिली को जितने साल, यानी जो 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल तक, जब तक आपकी फैमिली को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, जब तक एक सही ट्रैक पर नहीं आ पाएगी, जब तक वो पैसा आपको मिलेगा, यदि आप सही प्लान चूज करते हो तो। और कम प्लान भी होते हैं जिनके आप 5,000-3,000-2,000 तक के आपके होते हैं तो उन्हीं के जैसे आपको 2,000-15,000-20,000 ऐसे अलग अलग प्लान होते हैं। यदि आप जो प्लान चूज करोगे उससे आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा और जितने प्लान को कम करोगे वो बेनिफिट आपको कम होता जाएगा। बट इस केस में आपके जो अच्छा होता है कि आपको जो कंपनी आपसे वादा करती है तो आपको वो पे करेगी जरूर, क्योंकि जो कई बार ऐसा भी होता है कि 7,00,000 आपको अभी यानी आपकी ऑन डेट होती है या कुछ एक्सीडेंट डेथ में होती है तो जब आपको कंपनी पहले बोलती थी कि जो आपकी ऐसे केसेस में कुछ होता है तो आप हम इतना देंगे और ऐसे केसेस में आपका आपको इतना देंगे, ये सब चीज़ पहले आपको जो भी एजेंट होता है या मैं खुद भी होता हूँ तो जो भी प्लान आपको बताऊंगा उससे पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि भाई इतना आपको पे करना है, इतना आपको पे करने के बाद जो कुछ भी केसेस होता है तो आपको ये मिलेगा। और इसके बाद जब आपको पूरा प्लान हो जाता है तब आपको मेच्योरिटी होती है, जो पैसा आपको पूरा पड़ने के बाद आपका जो पे आउट मिलेगा ना वो आपको इतना मिलेगा, सब डिटेल्स आपको पहले ही बोल देती है तो वो आपको पैसा मिलेगा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 10% ऊपर हो जाए, 10% नीचे हो जाए, तो ये ज्यादा डिपेंड होता है, 10-20 रुपए का ही है जो ऐसे डिपेंड होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो ये एकदम एक फिक्स अमाउंट होता है। तो ये कंपनी आपका फ्रॉड वगैरह तो करने कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये एक सरकार के थ्रू चल रही है और इसमें आपको कोई फ्रॉड वगैरह रिस्क वगैरह नहीं होता है, तो इसमें आपका नुकसान तो कोई है ही नहीं है। जो आप पैसा पे कर रहे हो वो एकदम सही तरीके से आपको गवर्नमेंट के जो एक LIC अकाउंट में गए, जो उनका एक अकाउंट टाइप होता है उसमें जो सेव हो रहे हैं, और तो फ्रॉड वगैरह तो होना कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको ऐसा यानी 10,000-15,000 रुपये पे करवाती हैं और जो उनका सेटअप डाउन करके वो पक जाती हैं, तो ये ऐसे केसेस में जो कंपनी ऐसा करती है। लेकिन हमारी जो अभी कंपनियां तो जो कई सालों से चले आ रही हैं और ये चीज़ एकदम मैं रियल बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बोल देना कि जो LIC करवा रखी होगी उन्होंने तो उनके जो पैसा होगा रिटायरमेंट के वक्त उनको पैसा मिल रहा होगा, तो वो रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिल रहा है वो LIC के थ्रू मिल रहा है, तो ये चीज़ एकदम सही है, तो आपका फ्रॉड वगैरह तो कोई चांस ही नहीं है, इस चीज़ को आप दिमाग में डालें।